निजामुर रहमान साहब बोल रहे हैं जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रही हूँ। जी मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे, हम आपकी कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप हेलो कहेंगे और अपनी बात शुरू करेंगे। जी मैम। हेलो। हेलो नमस्कार सर, गुड इवनिंग। निजाम गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं मेडिकल पढ़ता हूँ, MBBS। अच्छा अच्छा, तो अभी वायरस का सुनकर के तो एक डॉक्टर को तो बहुत पता चला होगा कि कितना बड़ा भयंकर है। जी सर बिल्कुल, बहुत भयंकर है। तो वुहान में जब आपने सुना और आप फंस गए थे, तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर, फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। अब जब यहाँ वापिस आए। जी सर। तो उसके बाद क्या क्या किया, जरा मैं आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ। सर उसके कश्मीर के रहने वाले हैं। जी और सर घाटी के रहने वाले हैं, तो घाटी में तो ठंड ज्यादा होती है, और जब यहाँ आए तो आपको गर्मी में रखा गया होगा, काफी तकलीफ हुई होगी? नो सर, सर कोई तकलीफ नहीं हुई हमें, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया वहाँ पे, हर एक फैसिलिटी हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई, लाइक फूड वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, और हमें इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड की गई वहाँ पे। आपके साथी भी प्रसन्न थे सारे? यस सर, बहुत सारे प्रसन्न थे। कितने लोग थे आप लोग? सर हम ये कश्मीर से 60 थे। ओ यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर बिल्कुल, थैंक्स टू यू। और सबको समझा रहे हैं ना कि भाई सब इस प्रकार से 14 दिन संभाल लें, क्योंकि आपने तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो। जी सर। आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। जी सर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में भी जो एक दो केस हुए हैं तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर। जी सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं। जी सर बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अच्छा लगा कि इस व्यवस्था से आप लोग प्रसन्न हैं, और yes, मैं समझता हूँ इससे देशवासियों को, क्योंकि लोगों को क्या है, क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है, ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को भी। थैंक यू सर।